मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे आईफोन 12 के बारे में, जिसका कि मेरे पास है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर में आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये जो व्हाइट कलर है ये ऑफ व्हाइट का शेड है। आप देख सकते हैं हाथ में होल्ड करा हुआ डिवाइस एकदम डैशिंग लुक देगा, बढ़िया फिट एंड फिनिश हमें मिल जाती है, तो प्रीमियम फील देगा आपको ये डिवाइस हाथ में और बहुत ही सॉलिड लगेगा। इस डिवाइस में हमें ग्लास बॉडी मिलती है, उसके साथ एल्यूमिनियम फ्रेमिंग मिल जाती है, साथ ही आपको सिरामिक शील्ड मिलती है फ्रंट साइड में और उसके साथ सफायर क्रिस्टल लेंस प्रोटेक्शन मिल जाती है इसके कैमरा लेंस पे, जहां पे आपके कैमरा लेंस पे भी बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। लाइट वेट डिवाइस है हमारा सिर्फ 162 ग्राम्स का, उसके साथ 7.4 mm की इसकी हमारी थिकनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं 11 के साथ इसको कंपेयर करूँ, आईफोन 11 के साथ, तो इसके अंदर हमारी काफी बॉक्सी लुक आई है। वो हमारा थोड़ा सा कर्व था एजेस से, कॉर्नर से, तो उसमें पूरी आपको बढ़िया ग्रिप मिल जाती है। इसके अंदर भी ग्रिप अच्छी आती है, लेकिन 2-3 दिन आपको लग जाएंगे डिवाइस को हाथ में होल्ड करके यूज टू होने में। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस के डिजाइन में जो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नई लुक कैसी लगी है हमारे आईफोन 12 की। इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 12 प्रो के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज वाइज दोनों डिवाइसेस हमारे बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों के अंदर हमारी वेट में डिफरेंस आता है। 12 जो है वो हमारा लाइट है 12 प्रो के कंपैरिजन में, और बेशक ये हमारा छोटा मॉडल है 12 सीरीज का, इसके अंदर आपको क्वालिटी पूरी मिलती है जो 12 प्रो में मिल रही है। ये चीज मुझे इस डिवाइस की बहुत ही बढ़िया लगी। इसके साथ इसके डिजाइन में जो बढ़िया फीचर आता है वो है हमारी IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। मतलब आप इस डिवाइस को बारिश में यूज करो, पूल साइड यूज करो, या फिर मेरी तरह धो डालो, डिवाइस आपका खराब नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। ये जो हमारी रेटिंग है ये 6 मीटर तक टेस्टेड है, तो ये चीज भी बढ़िया मिल जाती है आपको इस डिवाइस के अंदर। इसके साथ आपको डिवाइस में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस आईडी जो हमें मिलती है वो इस बार और इम्प्रूव कर दी गई है। मतलब डिवाइस आपका अब और ज्यादा सिक्योर्ड रहेगा और फटाफट से आपके डिवाइस को अनलॉक भी कर देगा। तो ये तो हो गया हमारे इस डिवाइस के डिजाइन की बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें टॉप नॉच फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। हमें मिलता है A14 बायोनिक चिपसेट, जिसके साथ आपको एप्पल के 4-कोर ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और आपको डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लगेगी क्योंकि 5nm बेस्ड प्रोसेसर है ये हमारा, पहली बार दिया गया है, और एप्पल की आपको पूरी 12 सीरीज में यही प्रोसेसर मिल जाता है। ये जो हमारा प्रोसेसर है ये हमारा थर्मल एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको डिवाइस की बहुत ही सॉलिड मिल जाती है। आप डिवाइस के अंदर सारी वर्किंग बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं, चाहे हम मल्टीटास्किंग की बात करें, ऐप लोडिंग की बात करें, आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी डिवाइस में। इसके साथ एंटीथ स्कोर भी आप यहां पे देख सकते हैं, हमारे डिवाइस का आया है 5,61,000, और इसके साथ आपको डिवाइस के अंदर iOS 14.1 मिल जाता है, जिससे कि आपका यूजर एक्सपीरियंस और स्मूथ हो जाएगा। सबसे पहले जो ये iOS 14.1 है, इसके अंदर हमारे पास कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि आपको विजेट्स ऑन होम स्क्रीन मिलते हैं, ऐप क्लिप्स मिलती हैं, ऐप लाइब्रेरी मिलती है, पिक्चर इन पिक्चर वीडियो कॉलिंग मिल जाती है, आपको पिनअप मैसेजेस मिलते हैं, उसके साथ आपको न्यू एमोजीज मिल जाते हैं, जिनसे आपकी जो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग है वो और मज़ेदार वाली हो जाएगी। इसके साथ जो हमारी सिरी है उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे न्यू AI फीचर्स कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आप अपनी वॉइस कमांड के थ्रू ही काफ़ी सारी वर्किंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कॉल करनी हो, टेक्स्ट करना हो, या फिर टेक्स्ट रीड करवाना हो, इवन कार प्ले में भी आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। उसके साथ आपको अगर अपने गैलरी के अंदर कोई पुरानी पिक्स को ढूंढना हो, जैसे सबसे मुश्किल काम होता है इतनी बड़ी गैलरी हमारी, उसके अंदर हमें पिछली समर्स की कोई पिक्स ढूंढनी है, तो यहाँ पे सिरी की मदद से वॉइस कमांड के थ्रू ही आप ये सारे काम ईजिली कर सकते हैं। इसके साथ आपको डिवाइस में अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो अभी तक मैंने जितनी भी इसमें गेमिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे एसफॉल्ट 9 मैं खेल रही हूँ, कार रेसिंग गेम हमारी, यहाँ पे मुझे अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला है। हालांकि गेमिंग टेस्ट हम इस डिवाइस का जरूर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि 1 आवर की टोटल गेमिंग में हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं, और साथ ही बैटरी हमारी कितनी लगती है। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो सबसे पहले ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जो पहले हमें 11 के अंदर मिलता था LCD पैनल, वो चीज अभी हमें नहीं मिलती। अब पूरी हमारी 12 सीरीज के अंदर हमें OLED पैनल मिल जाता है,
तो आपको डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो ब्राइट एंड बढ़िया लगेगा, कलरफुल लगेगा। यहाँ पे हमें मिलता है 6.1 इंच का ओलेड पैनल जिसके अंदर आपको सुपर रेटिनल XDR डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर 625 निट्स की हमें ब्राइटनेस मिल जाती है, टिपिकल ब्राइटनेस, और उसके साथ आपको HDR कंटेंट के लिए 1200 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है और 2:1 की कंट्रास्ट रेशियो मिलती है। ट्रू टोन डिस्प्ले है हमारा जिसके अंदर आपको मूवीज, वीडियोस, आपकी गेमिंग बहुत ही बढ़िया लगेगी, आप अच्छे से सारे अपने कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ हमारे पास जो डार्क मोड आता है वो तो मेरा फेवरेट है ही, और जो नए लाइव वॉलपेपर्स आपको इसमें मिल जाते हैं उससे आपका यूजर एक्सपीरियंस डिस्प्ले वाइज भी बढ़िया हो जाएगा। अब इसके साथ ही अगर हम डिवाइस के ऑडियो आउटपुट की भी बात करें तो सबसे पहले तो हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड मिलती है। यहाँ पे मैं आपको सुनाती हूँ एक रिंगटोन की साउंड। आप देख सकते हैं कितनी लाउड और क्लियर हमें इसमें साउंड मिल रही है, जिससे कि आप इसमें अगर मूवीज देखते हैं तो आपको क्लियर डायलॉग सुनाई देंगे और उसके साथ गेम्स में भी आपको बढ़िया साउंड इफेक्ट मिलेगा। तो ऑडियो आउटपुट भी मुझे डिवाइस का काफी पसंद आया। इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो बैक में हमें मिलता है डुअल कैमरा सेटअप 12+12 का, जिसमें एक हमारा अल्ट्रा वाइड है और दूसरा हमारा वाइड है, और फ्रंट में हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमारे कैमरा के सैंपल्स और उसके साथ आपको बताती हूँ हमारे मजेदार कैमरा फीचर्स। सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, हमें जो कैमरा मिलता है उसके अंदर आपकी बहुत ही नेचुरल पिक्स आती हैं नेचुरल कलर्स के साथ। आपको पिक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग मिल जाती है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड को अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं तो आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल रहेगा। उसके साथ आपका डायनेमिक रेंज भी कैमरा की बहुत ही बढ़िया आती है, आपको कंट्रास्ट जो है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। इवन वाइड एंगल जो है हमारा उसके अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर मिलता है, ताकि पिक्स जो है वो हमारी मैक्सिमम वाइड एंगल में आपको मिल रही है और पिक्स के अंदर डिटेलिंग भी अच्छी आपको मिलती है और पिक्स हमारी बहुत ही शार्प आई है। इसके साथ आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, स्टूडियो लाइट इफेक्ट्स, जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी जो पिक है वो बहुत ही नेचुरल आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की पिक्स हमारी, इसके अंदर भी आपको डिटेलिंग जो है अच्छी मिल जाती है, कलर्स हमारे बिल्कुल नेचुरल आए हैं। यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन ऑन करने की ऑप्शन नहीं मिलती, लेकिन जो फिल्टर्स मिलते हैं उनके अंदर आपकी काफी क्रिएटिव पिक्स आ जाएंगी, और साथ ही हमारे पोर्ट्रेट स्टूडियो लाइट इफेक्ट्स जो हैं वो भी आपको सेल्फी कैमरा में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो सैंपल्स को। बैक कैमरा का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज भी हमारी बढ़िया आ रही है, फोकसिंग भी हमारी फास्ट है। एक्चुअल में एप्पल की कैमरास में आपकी वीडियोस बहुत ही कमाल की आती हैं। उसके साथ सेल्फी कैमरा का वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में काफी सही मिल जाता है और आपको काफी बढ़िया वीडियो मिल जाता है फ्रंट से भी। इसके अलावा आपको इसके बैक कैमरा में और भी जो फीचर्स मिलते हैं उनके अंदर हमारे पास स्टीरियो वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है, स्लो मोशन फ्रंट एंड बैक से दोनों से है, HDR वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप डॉल्बी विजन के साथ, और साथ ही नाइट टाइम हाइपरलैप्स शॉट भी मिल जाता है फ्रंट एंड बैक दोनों से ही। कैमरा वाइज अगर हम देखें तो डिवाइस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। हालांकि यहाँ पे मुझे लगा कि दो वाइड एंगल लेंस हमें मिलते हैं, उसकी जगह एक टेलीफोटो वाला मिल जाता जो 12 प्रो में मिल रहा था तो और बढ़िया हो जाता। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे अगर हम बात करें डिवाइस की बैटरी के बारे में तो बैटरी यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं डिवाइस का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगी। पूरा दिन मैं इस डिवाइस को अपने यूजेज में यूज करके आपको बताऊंगी कि मेरा ये डिवाइस एक दिन निकाल पाता है या नहीं। उसके साथ चार्जिंग की अगर हम बात करें तो डिवाइस के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते। एप्पल का कहना है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए उन्होंने ये चीज़ रिमूव करी है। हालांकि जो फर्स्ट टाइम हमारे एप्पल यूजर्स होते हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन रखनी चाहिए थी। वैसे अगर आप चार्जर लेना चाहें तो एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर है एप्पल का, जो कि 1900 रुपये के प्राइस में आपको मिल जाता है, और उसका क्लेम है एप्पल का कि सिर्फ आधे घंटे में 50% डिवाइस आपका चार्ज हो जाता है।
तो उसकी भी टेस्टिंग मैं आपको करके बताऊंगी कि चार्जिंग में एक्चुअल में पूरा 100% होने में कितना टाइम लगता है। सो गाइस, ये था हमारा आईफोन 12 जो कि हमारा 80,000 रुपये का डिवाइस है, और आपको डिवाइस के अंदर बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है एक क्वालिटी लुक के साथ। तो पैकेज देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसका कलर कौन सा अच्छा लगा, कौन सा इसका फीचर नया आपको पसंद आया, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको इसकी सारी टेस्टिंग दूंगी और उसके बाद मैं आपको यूज़ करने के बाद कुछ टाइम बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सर्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।